ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी, हर हर महादेव। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, ऐसे में हर एक व्यक्ति माता रानी को रिझाने का प्रयास कर रहा है अपनी सामर्थ्य अनुसार। ऐसे में आप माता रानी के नाम का अखंड दीप लगा रहे हैं या माता रानी के नाम का एक दीपक लगा रहे हैं, किसी भी तरह का हो, उसमें अगर दीपक में फूल बन रहा है, उसकी बाती में एक भगवान माता रानी की एक तरह तरह का स्वरूप बन रहा है, हो सकता है माता रानी के नेत्र उभर रहे हों, या माता रानी का त्रिशूल, या माता रानी का खड़ग, या उनका कमल का सा आकार बन रहा हो जो माता रानी के नाम का दीपक लगाया जा रहा है, तो इसका क्या संकेत मिलता है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या रहस्य है, आज वीडियो में यही जानेंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं माता रानी हमारे आसपास हमें साक्षात दिखाई तो नहीं देती, परंतु हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। माता रानी हमारे आसपास उस हवा की भांति है जिसके बिना हमारा जीवन नहीं है, वह दिखाई तो नहीं देती परंतु हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो माता रानी की आध्यात्मिक ऊर्जाएं हमारे आसपास विद्यमान रहती हैं। यह आध्यात्मिक ऊर्जा उस व्यक्ति को हमेशा महसूस होती है जो पूर्ण रूप से माता रानी के मंत्रों में, माता रानी की एक विशेष शक्तियों के द्वारा, एक माता रानी के विशेष कृपा का जो प्राप्त व्यक्ति होता है, जिसे माता रानी की विशेष कृपा मिलती है, वह व्यक्ति इन जो ऊर्जा है, इन शक्तियों को महसूस कर सकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा के मार्ग पर चलते चलते धीरे धीरे हर एक व्यक्ति इन आध्यात्मिक ऊर्जाओं को, इन हवाओं को पूर्ण रूप से महसूस कर सकता है। माता रानी हर एक कण में विद्यमान है। इस आध्यात्मिक मार्ग को हर एक व्यक्ति आगे बढ़ाते हुए अपनी अपनी तरह से व्रत त्यौहार पूजा पाठ इत्यादि, मंत्र जाप या माता रानी की कोई विशेष साधना इत्यादि करने में संलग्न रहता है, खासतौर पर इन नवरात्रि के दिनों में। ऐसे में माता रानी के उस दीप में, उस ज्योत में जो दीप फूल सा बनता है, कोई सी भी आकृति बनती हो, तो इसका साक्षात यही अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो अपने भौतिक कर्म के साथ साथ आध्यात्मिक कर्म को भली भांति निभा रहा है। आध्यात्मिक कर्म जैसे कि मंत्र जाप, व्रत पूजा पाठ, यह आते हैं, और भौतिक कर्म है जो इस दैनिक जीवन में हम अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए अपने दोनों मार्गों को धीरे धीरे उन्नति की ओर आगे बढ़ाते हुए लेकर जाते हैं। माता रानी की सूक्ष्म नजरें उन कार्यों को देख रही हैं। माता रानी हर एक कण से उन्हें देख रही है, हर एक तरह से उनसे देख रही हैं। अतः उन सामाजिक और भौतिक जिम्मेदारियों का आप भली भांति निर्वाह करते हैं सच्चे भाव, सच्चे मन से, निष्काम भावना से, तो माता रानी उससे प्रसन्न होती हैं। उसी के कारण उस दीपक में, उस ज्योत में फूल की सी आकृति बनती है। इसे फूल कहा जाता है, कई लोग इसे दीपक की बत्ती में फूल कहते हैं, कई लोग इसे ज्योत में फूल कहते हैं, दिए में फूल कहते हैं, सबका अपना अपना कहने का अर्थ है। तो इसका यही अर्थ होता है कि माता रानी आपके सभी कर्मों से, मन कर्म वाणी से, जो आप माता रानी को प्रसन्न कर रहे हैं अपने कर्मों के द्वारा, उससे काफ़ी प्रसन्न है। वह आपके आसपास विद्यमान है, आपको साक्षात दीपक में दर्शन दे रही हैं। ऐसे में इस संकेतों को सामान्य नहीं समझना चाहिए। यह संकेत कभी कभी ही दिखता है और बहुत खास भक्तों को दिखता है। ऐसे में आप सभी को माता रानी के आगे पूर्ण रूप से नतमस्तक हो जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि हे माता रानी, आपने हमें इस तरह से दर्शन दिए। कई लोग जो है स्वप्न के माध्यम से माता रानी का दर्शन करते हैं, कई लोगों को ऐसी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, कई लोगों के दीपक में जो है माता रानी दर्शन देती हैं। सबका अपना अपना अनुभव है। माता रानी इस रूप में उन्हें अनुभव करवाना चाहती हैं, यह माता रानी की महिमा जाने। ऐसे में यही इसका अर्थ होता है कि माता रानी अब आपके दुखों का अंत करेंगी। आपके जीवन में दुख तकलीफ हैं, कलह रोग इत्यादि चल रहे हैं, अब उनका अंत होगा, और साथ ही आपके कष्टों का निवारण करेंगी माता रानी, और आपकी मनोकामना जो भी आधी अधूरी हैं उन्हें अब माता रानी पूर्ण करने वाली हैं। ऐसे में आप सभी को क्षमा प्रार्थी होते हुए, क्षमा प्रार्थी, हालांकि आप सभी जो है सच्चे भक्त हैं माता रानी के, तो गलत कर्म आप करते ही नहीं होंगे, परंतु भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए जितना संभव हो अपने मंत्र शक्ति को आगे बढ़ाना है, और अधिक अपने जीवन को अमूल्य बनाते हुए माता रानी को एक जीवन में उतारते हुए, उनके कर्मों का माता रानी जो हमें राह दिखाती है उन पर चलते हुए अपने आध्यात्मिक और भौतिक मार्ग को प्रशस्त करना है, जिनसे कि और अधिक माता रानी के एहसास उस व्यक्ति को हो, और साथ ही जो आपसे बन पड़े इस नवरात्रि के दिनों में करने का
प्रयास करें अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार। आज की जानकारी में इतना ही, मिलते हैं अरे अब नई जानकारी के साथ और वीडियो में। हर हर महादेव। जय माता दी। राधे राधे।